दोस्तों बड़ी शख्सियत है हमारे दरमियान है, उन्हें जाना भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं वो जाने से पहले अपना कलाम भी सुनाएं और हम उनके शुक्रगुजार होंगे। मैं बहुत तेजी के साथ इसलिए मैं वक्त नहीं जाया कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उन्हें भी सुनना है। आइए, मजाज ने कहा था कि सनाने खींच लिए सर फिरे बागी जवानों ने, तो सामान्य जराहत अब उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जब एहसासात इस कदर बेदार हो जाएं कि हमारे लिए हमारे खिलाफ क्या हो रहा है या हमें कहाँ होना चाहिए, आज के दौर की एक खातून एक औरत ये महसूस करने के लिए और आप तक अपने जज्बात को पहुंचाने के लिए बेसाख्ता लफ्जियात का इस्तेमाल करती है। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि एक ऐसी शायरा से दरख्वास्त करूँ जिन्हें आप गालिबन यहाँ पहली बार सुन रहे होंगे, मोहतरमा प्रज्ञा विकास। बम्बई से इस वक्त बम्बई में है, वो फिल्मों से भी जुड़ी हुई है, अदब से भी जुड़ी हुई है, मुशायरों से भी जुड़ी हुई है, इन तमाम के बीच में उन्होंने अपना तशख्स बरकरार रखा है। प्रज्ञा विकास सुनेंगे आप खुश होंगे, इस्तकबाल करें अपने मोहतरमा प्रज्ञा विकास। झील जैसी तो है सुरखाब नहीं आते हैं, झील जैसी तो है सुरखाब नहीं आते हैं, मेरी नाखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं। झील जैसी तो है सुरखाब नहीं आते हैं, मेरी नाखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं, और हम इसी शहर में इसी शहर में रहते हैं, ये सच है, लेकिन हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं। प्रवीण साहब ने बहुत अच्छे बहुत सुंदर छंद सुनाए, बार बार तालियों की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत कीमती सामाईन है और आज के दौर में जब आधे घंटे का टेलीविजन शो देखते हैं, हम बारह चैनल चेंज करने से खुद को नहीं रोक पाते, जब आप दो घंटे तीन घंटे चार घंटे के कवि सम्मेलन मुशायरे सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे संस्कार आज भी जिंदा है। मैं चार मिसरे आपकी नजरें करती हूँ, इसमें शायरी जैसी कोई बात नहीं, महज मेरे जज्बात, उसके बाद शेरी सफर का आगाज। कहती हूँ कि आप है तो हम है वरना हम नहीं है, आप है तो हम है वरना हम नहीं है, आज है खुशियां ही खुशियां गम नहीं है, और आपकी दाद आपकी समाते। तब कहती हूँ कि आप है तो हम है वरना हम नहीं है, आज है खुशियां ही खुशियां गम नहीं है, और आपसे यूं प्यार की सौगात पाकर लग रहा है हम किसी से कम नहीं है, लग रहा है हम किसी से कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मिजाज के चार मिसरे अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कहती हूँ कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता मेरे मकान तक नहीं आता। वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता मेरे मकान तक नहीं आता, एक रोज तो शख्स को आना ही पड़ेगा, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये देखूं। मेरी सहेलियां यहाँ बैठी हैं, तब चार मिसरे अर्ज करती हूँ, कहती हूँ कि बेवक्त बेवक्त ही आ जाती है सोने नहीं देती, बेवक्त ही आ जाती है सोने नहीं देती, ये याद तेरी और का होने नहीं देती, बेवक्त ही आ जाती है सोने नहीं देती, ये याद किसी और का होने नहीं देती, और दीवार के भी कान हुआ करते हैं शायद, दीवार के भी कान हुआ करते हैं शायद, ये बात हमें छिपके भी रोने नहीं देती, ये बात छिपके भी रोने नहीं देती। अच्छा है भाई, क्या बात है, आ जाती है सोने नहीं देती, दीवार के भी कान हुआ करते हैं शायद, ये बात हमें छिपके भी रोने नहीं देती। चार मिसरे और समाप्त कीजिए, कहती हूँ कि दरमियां का फासला दीवार क्यों होता नहीं, दरमियां का फासला दीवार क्यों होता नहीं, उसकी यादों का मकान मिसमार क्यों होता नहीं, दरमियां का फासला दीवार क्यों होता नहीं, उसकी यादों का मकान मिसमार क्यों होता नहीं, और सोम मंगल की तरह मसरूफ है उसकी वफा, सोम मंगल की तरह, सोम मंगल की तरह
मसरूफ है उसकी वफा, वो मेरे खातिर कभी इतवार क्यों होता नहीं, वो मेरे खातिर कभी इतवार क्यों, वो मेरे खातिर कभी इतवार क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरी। बहुत सारे सियासतदान बैठे हैं यहाँ पे, तब कहना पड़ता है। आज के दौर में जब आप अदब की परवरिश और उसके लिए अपना वक्त निकालते हैं, तब महज एक शेर की ये मौजजा भी मोहब्बत की देन है साहिब। ये मौजिजा, ये हिंदी और उर्दू जबान की मोहब्बतें जिसके एजाज में आप यहाँ बैठे हैं, कि मौजिजा भी मोहब्बत की देन है साहिब। चराग हाथ में लेकर हवा गुजरने लगी, चराग हाथ में लेकर अच्छा है भाई। ये मौजिजा भी मोहब्बत की देन है साहिब, मौजिजा भी मोहब्बत की देन है साहिब। चराग हाथ में लेकर हवा गुजरने लगी। एक मतलब और दो शेर। कहती हूँ कि ये किसने कह दिया है तुझे इब्तदाहों में, ये किसने किसने कह दिया है तुझे इब्तदाहों में, तो आजमा के देख तेरी इंतहा हो। ये किसने? वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, प्यार प्यार, भरपूर मिसाल है। वाह वाह वाह, यस करती हूँ। बहुत अच्छा। ये किसने कह दिया है तुझे इब्तदाहों में, तो आजमा के देख तेरी इंतहा हूँ मैं। और शेर अर्ज किया कि खुद के पते पे खुद से मुलाकात ना हुई, खुद के पते पे खुद के पते पे खुद से मुलाकात ना हुई, मुमकिन है कहीं खो गई हूँ लापता हूँ मैं, मुमकिन है कहीं खो गई हूँ लापता हूँ, मुमकिन है कहीं खो गई हूँ लापता हूँ मैं, खुद के पते पे खुद से मुलाकात ना हुई। और ये शेर बतौर खास मेरी सहेलियां बैठी हैं, मेरे जो हिंदू दोस्त हैं, बता दूं रिदा कहते हैं चादर को, तब शेर अर्ज किया कि ये किसने कह दिया है तुझे इंतहा हूं मैं, तो आजमा के देख। और शेर अर्ज किया कि ओढ़े हुए हूं, ओढ़े हुए हूं आज भी मैं उस ख्याल को, ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा। बहुत अच्छा। ओढ़े हुए हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ खुद के पते में खुद से मुलाकात ना हुई, मुमकिन है कहीं खो गई हूँ लापता हूँ मैं, और ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा। हमारे अन्य प्रायोजक REC सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, JP होटल के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया।